द वर्ड लॉजिक मीन्स साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग। लॉजिक का मतलब होता है साइंस एंड आर्ट है, रीजनिंग का साइंस एंड आर्ट है। ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने डिफाइन किया लॉजिक को कि वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक तरीका या एक्सप्लेन करने का तरीका किसी चीज़ को कि वेदर राइट और रॉन्ग, कोई वस्तु राइट है, कोई चीज़ राइट है या रॉन्ग है, इसका सोचने का तरीका, इसे एक्सप्लेन करने का तरीका, इसे लॉजिक कहते हैं। सो इट इज़ एबिलिटी टू रीजन करेक्टली। इट इज़ द साइंस ऑफ इन्फेरेंस, जहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं। इट टीजेस हाउ वन जजमेंट में बी इन्फर्ड फ्रॉम अदर जजमेंट, किसी एक का जजमेंट दूसरे के जजमेंट से कैसे अलग हो रहा है, इसे बताता है। टू रीजन इज, यहाँ पे ये बताया कि टू रीजन इज टू इन्फर, हेंस इट इज़ यूजुअली कॉल्ड साइंस ऑफ रीजनिंग, इसे रीजनिंग का साइंस भी कहा जाता है। लॉजिक एंड फिलोसोफी आर नॉट न्यू सब्जेक्ट टू ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड के लिए लॉजिक और फिलोसोफी कोई नए सब्जेक्ट नहीं है। ऑल पीपल फिलोसोफर होते हैं, लॉजिशियंस होते हैं, ओनली द डिग्री एंड अप्रोच डिफर, बस उसके सोचने का तरीका अलग होता है। डिग्री और अप्रोच जो है हर एक की अलग अलग होती है। मेडिकल डिक्शनरी, मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो अरिस्टोटल जो है वो फर्स्ट अथॉरिटी है लॉजिक की। ही रोट द फर्स्ट बुक, लॉजिक के ऊपर उन्होंने बुक लिखी ऑर्गेनम, विच वॉज रिटन इन लैटिन, लैटिन में लिखी गई थी। बट इन ओल्डन डेज लॉजिक वॉज यूज ओनली फॉर पर्पज ऑफ एग्यूमेंटेशन एंड डिस्प्यूटेशन, के लिए यूज़ किया जा रहा था पुराने समय में। लॉजिक हेल्प अस टू डिस्कवर द ट्रूथ फ्रॉम ड्रॉइंग कंक्लूजन, वही कंक्लूजन ड्रॉ करता है लॉजिक, जिससे कि हम एक जनरल ट्रूथ तक पहुँच सकते हैं। अपरमिस, परमिस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक आइडिया होता है, ऑन विच रीजनिंग इज बेस्ड, जिस पे कि रीजनिंग बेस्ड होती है वो आइडिया या वो स्टेटमेंट, उसे परमिस कहते हैं। और इन्फेरेंस क्या होता है, कंक्लूजन, जो कि कंक्लूजन रीज्ड ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट, जो भी फैक्ट है उनके बेसिस पे अपन जो कंक्लूजन निकालते हैं उसे इन्फेरेंस कहते हैं। देयर में भी मे एक्टिव लॉजिक, तो इट इज़ अ मेथड ऑफ लॉजिक, लॉजिक की एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरलाइज परमिस टू पर्टिकुलर इन्फेरेंस। परमिस यानी कि कोई स्टेटमेंट या आइडिया था, उससे हम एक जनरल पर्टिकुलर इन्फेरेंस यानी कि कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, किसी पर्टिकुलर आइडिया से कंक्लूजन निकालते हैं डिडक्टिव लॉजिक में। हेयर अ पर्टिकुलर कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम यूनिवर्सल और जनरल परमिस, कोई जनरल या यूनिवर्सल स्टेटमेंट था, आइडिया था, उसके बेस से हम, उसके आधार पर हम पर्टिकुलर इन्फेरेंस कंक्लूजन निकालते हैं। अगर वो जनरल परमिस ट्रू है, कोई स्टेटमेंट आइडिया ट्रू है, तो उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी ट्रू ही होगा हमेशा। द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट नेवर गोस बियॉन्ड द एग्रीड जनरल परमिस। एग्जाम्पल, जनरल परमिस ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये एक, यहाँ पे एक जनरल परमिस ये था कि सारे मेडिकल स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो उस यानी कि कोई थॉट है, ये आइडिया है, तो उसके बेसिस पे पर्टिकुलर इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन निकालेंगे। तो रामा इज़ इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज मेडिकल स्टूडेंट, और सीता इज़ इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज सी इज़ मेडिकल स्टूडेंट। तो इससे हमने एक आइडिया था उसके बेस पे दो पर्टिकुलर कंक्लूजन या इन्फेरेंस निकाले। यहाँ पे पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालते हैं डिडक्टिव लॉजिक में, ठीक है। तो रामा इज इंटेलिजेंट क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है, ये एक पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाला। रिलीजियन भी इसका बेस्ट एग्जांपल है डिडक्टिव लॉजिक का। और इसके साथ साथ जो फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्ट्स थे, जो कि इसके डिडक्टिव लॉजिक के फादर हैं, वो ही इन्फ्लुएंस ऑर्थोडॉक्स स्कूल बाय हिज लॉजिक, ने ऑर्थोडॉक्स स्कूल को भी खूब ज़्यादा प्रभावित किया डिडक्टिव लॉजिक के द्वारा। डिडक्टिव लॉजिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सब्जेक्टिव लॉजिक भी कहा जाता है, आइडियलिस्टिक लॉजिक भी कहा जाता है उसे। लॉजिक, तो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड दैट प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, यहाँ पे इंडक्शन किया जाता है, ये भी एक साइंटिफिक मेथड है। इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय एक्सपीरियंस, इसे एक्सपीरियंस के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। हेंस इंडक्टिव लॉजिक इज अ कॉल्ड ऑफ लॉजिक ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, ये ट्रूथ का लॉजिक है, रियलिटी होती है यहाँ पे। इंडक्टिव लॉजिक के फादर कौन है, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। जोहान स्टार्ट विल फर्दर, उन्हें फर्दर डेवलप किया इस सिस्टम को, दिस सिस्टम ऑफ लॉजिक को फर्दर डेवलप किया स्टार्ट ने। दिस प्रोसीजर ड्रॉज यूनिवर्सल कंक्लूजन और इन्फेरेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन पर्टिकुलर परमिस, यहाँ पे
पर्टिकुलर परमिस यानी कोई पर्टिकुलर थॉट्स थे उनके बेस पे कंक्लूजन निकाला जाता है। इन दिस लॉजिक बिफोर वी मेक एनी कंक्लूजन, यहाँ पे अपन कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले क्लासिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन स्पिन थ्योरीज वी मस्ट श्योर दैट वी हैव रिलायबल फैक्ट्स। यहाँ पे हम कोई भी कंक्लूजन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जनरलाइजेशन कर रहे हैं थ्योरीज दे रहे हैं तो उससे पहले हमें पता कर लेना चाहिए वो उसकी फैक्ट्स जो है वो भरोसेमंद होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल पर्टिकुलर फैक्ट्स क्या थे, रामा इज इंटेलिजेंट ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट, सीता इज़ इंटेलिजेंट मेडिकल स्टूडेंट, सोमा इज़ इंटेलिजेंट ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये परमिस थे, इनके बेसिस पे अपन ने एक इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन किया निकाला कि ऑल द मेडिकल स्टूडेंट मस्ट बी इंटेलिजेंट होना चाहिए। इन दिस लॉजिक फ्रॉम द पर्टिकुलर फाइंडिंग वी जंप ऑन जनरल पर्टिकुलर आइडियाज थे स्टेटमेंट थे उसके बेस पे जनरल कंक्लूजन निकला। तो आवर सेंसेस अराउंड अस, हमारे सेंसेस जो थे वो फील कर लेते हैं जो भी अपने आसपास होता है बाय अप्लाइंग रेशनलिस्टिक रीजनिंग, रीजनिंग कैपेसिटी के बेस पे, लॉजिक के बेस पे हम जनरल ट्रूथ तक पहुंच जाते हैं। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हैपनिंग अराउंड अस इन बेटर वे, जो भी कुछ हो रहा है उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव लॉजिक की सहायता से। इंडक्टिव लॉजिक जो होता है वो हमें फ्रीडम देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, नेचर को स्टडी करने के लिए और उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालने के लिए हमें फ्रीडम मिलती है इंडक्टिव लॉजिक में। जनरल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए या कोई भी पर्टिकुलर हमें कंक्लूजन निकालना है किसी भी फैक्ट से तो उसके लिए हमें चार स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रेशनल एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। कोई कंक्लूजन या इन्फेरेंस निकालना है तो उसके लिए हमें चार स्टेप्स से होके जाना पड़ेगा, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रेशनल एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। लॉर्ड फ्रांसिस बेकन जो इंग्लिश फिलोसोफर थे वो इसके फादर थे, उनने उनकी बुक नोवम ऑर्गनम में इंडक्टिव लॉजिक को एक्सप्लेन किया था, उसका सेकेंड वॉल्यूम भी आया था इन सेरेशियो मैग्ना, उसमें इसके बारे में लिखा था, वो लेटिन में था। जो मीनिंग था इसका नोवम ऑर्गनम का मतलब न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। फ्रांसिस बेकन ने बोला था कि द ट्रूथ इज़ डॉटर ऑफ टाइम नॉट ऑफ अथॉरिटी, टाइम का डॉटर है ट्रूथ नॉट ऑफ अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी का नहीं। तो लॉर्ड फ्रांसिस बेकन इसके फादर थे, वो उनने बिलीव किया कि लॉजिक इज़ नॉट फॉर जस्ट आर्गूमेंट एंड डिस्प्यूटेशन। पहले लॉजिक का यूज़ आर्गूमेंट और डिस्प्यूटेशन के लिए किया जाता था लेकिन ये केवल उसके लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर पर्सनल ओपिनियन, कोई और पर्सनल ओपिनियन या अटकलें स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। थ्योरीज एंड लॉस मस्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, जितनी भी थ्योरियाँ बननी चाहिए वो फैक्ट और लॉस के पर बेस होनी चाहिए।